दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति से MCQs। तो आज हम लोग जो देखेंगे MCQs, ये टोटल 40 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है ए वस्तु विक्रय अधिनियम, बी किराया क्रय अधिनियम 1972, सी अनुबंध अधिनियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है, तो देखिए हायर परचेज एक्ट जो लागू हुआ है वो 1972 सेक्शन सी के तहत लागू हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, किराया क्रय अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है ए मूलधन की वापसी, बी किराया, सी मूलधन की ब्याज सहित वापसी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किराया क्रय पद्धति के अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। देखिए हायर परचेज सिस्टम के तहत जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होते हैं उनका पूर्ण भुगतान होने तक, यानी कि जब तक उसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता है तब तक जो अमाउंट दी जाती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो उसको हम लोग मतलब कि जो किस्तों में अमाउंट हम लोग देते हैं, भुगतान करते हैं, तो उस अमाउंट को किराया मानते हैं हम लोग, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, किराया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है ए माल का, बी ऋण का, सी स्वामित्व का, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हायर परचेज सिस्टम के तहत गुड्स की जो डिलीवरी होती है उस पर क्या हस्तांतरण होता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है माल का, ऋण का, स्वामित्व का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि हायर परचेज सिस्टम के तहत माल की जो सुपुर्दी यानी डिलीवरी होती है उसमें किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र नहीं होता है। हायर परचेज सिस्टम के तहत जो वेंडर होते हैं वो गुड्स की डिलीवरी तो कर देते हैं बायर को, बट गुड्स के सारे राइट हायर वेंडर के पास ही होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किराया क्रय पद्धति में विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है ए स्वामित्व, बी माल को उपयोग करने का अधिकार, सी स्वामित्व एवं अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किराया क्रय पद्धति में विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के तहत जो सेल करते हैं तो उसमें क्या ट्रांसफ़र होते हैं, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ स्वामित्व, बी माल को उपयोग करने का अधिकार, सी स्वामित्व एवं अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हायर परचेज सिस्टम के तहत जो वेंडर ट्रांसफ़र करता है वो माल को उपयोग करने का अधिकार देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको ऑनरशिप की कॉपी नहीं दी जाती है, यानी कि जब तक आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते रहते हैं तब तक आपको माल को उपयोग करने का अधिकार देते हैं वो हायर वेंडर जो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, माल को उपयोग करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता माल का स्वामी बन जाता है जबकि ए वह अनुबंध करता है, बी वह तुरंत भुगतान कर देता है, सी वह पूर्ण भुगतान कर देता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता माल का स्वामी बन जाता है जबकि, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के तहत जो बायर होते हैं वो गुड्स का ऑनर कब बनते हैं, जब वो टोटल पेमेंट कर देते हैं, फाइनल पेमेंट कर देते हैं तभी वो गुड के ऑनर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, वो पूर्ण भुगतान कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर लगाया जाता है ए रोकड़ मूल्य पर, बी ब्याज पर, सी किराया क्रय मूल्य पर, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर लगाया जाता है, यानी कि कैश प्राइस जो होते हैं उसी पे ह्रास लगाया जाता है, यानी डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो कैश प्राइस पे किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रोकड़ मूल्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो किराया विक्रेता क्या कर सकता है ए माल को जब्त कर सकता है, बी अतिरिक्त ब्याज व दंड लगा सकता है, सी भुगतान हेतु किराया क्रेता पर वाद कर सकता है, डी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो किराया विक्रेता क्या करता है, यानी हायर परचेज सिस्टम के तहत क्या होता है कि जो बायर होते हैं वो अगर पूर्ण भुगतान यानी टोटल पेमेंट नहीं कर पाता है, हाफ पेमेंट किया, पूरा पेमेंट नहीं कर पाया, तो
विक्रेता यानी हायर वेंडर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो वो माल को जब्त कर सकते हैं, वो अपने गुड्स को वापस रिपोजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, माल को जब्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। ए प्रथम किस्त का भुगतान करने पर, बी आधी किस्त का भुगतान करने पर, सी माल की सुपूर्दगी पर, डी अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, यानी हायर परचेज सिस्टम के तहत जो क्रेता होते हैं, बायर होते हैं, उनको ऑनरशिप की कॉपी कब ट्रांसफर की जाती है। तो देखिए, फाइनल पेमेंट जब ये कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट का पूरा फाइनल पेमेंट करते हैं, तभी उनको ऑनरशिप की कॉपी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, माल की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पूर्व यदि किराया क्रेता चाहे तो वह किराया विक्रेता को माल वापस कर सकता है। ए 18 दिन का लिखित नोटिस देकर, बी 30 दिन का लिखित नोटिस देकर, सी 20 दिन का लिखित नोटिस देकर, डी 14 दिन का लिखित नोटिस देकर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, माल की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पूर्व, यानी कि जो आप पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट का, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के करने से पहले ही अगर क्रेता चाहे, यानी कि बायर जो है वो चाहेगा कि हम माल वापस कर दें विक्रेता को, तो वो 14 दिन का लिखित नोटिस देकर माल को वापस कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 14 दिन का लिखित नोटिस देकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वस्तु को सावधानी पूर्वक रखने पर टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व होता है। ए किराया विक्रेता पर, बी माल के निर्माता पर, सी किराया क्रेता पर, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वस्तु को सावधानी पूर्वक रखने पर टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व होता है, यानी कि जो बायर होते हैं वो सामान को सही से रखते हैं, उसके बावजूद यानी सावधानी पूर्वक रखने के बावजूद जो है टूट फूट हो जाती है, तो उसकी दशा में उस गुड्स की जो मरम्मत होगी उसका दायित्व किसके ऊपर होता है, यानी कि सेलर पर होता है या बायर पर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, किराया विक्रेता पर यानी कि हायर वेंडर पर होता है। हायर वेंडर जो होते हैं वो जब तक फुल पेमेंट नहीं ले लेते हैं, यानी हायर वेंडर जो होता है जब तक फुल पेमेंट नहीं लेता है तब तक गुड्स का जो टूटने फूटने का या रिपेयर करने का जो भी दायित्व होता है वो विक्रेता पर होता है, यानी हायर वेंडर पर होता है, वही उस गुड्स का रिपेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है। ए किराए क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, सी रोकड़ मूल्य पर, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है, यानी हायर परचेज सिस्टम के तहत गुड्स के किस अमाउंट पे ब्याज की गणना की जाती है। तो गुड्स का जो रोकड़ मूल्य होता है, कैश प्राइस होता है, उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रोकड़ मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत किराया क्रेता किराया विक्रेता को भुगतान करता है। ए किस्तों में ब्याज रहित, किस्तों में ब्याज सहित, सी किराया क्रय मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत किराया क्रेता किराया विक्रेता को भुगतान करता है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के तहत क्या होता है, जो बायर होते हैं वो वेंडर को, हायर सेलर को जो पेमेंट करता है, तो जितना अमाउंट होता है गुड्स का, जितना परचेज प्राइस होता है यानी कि कैश प्राइस जो होता है, उस पर वो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके पेमेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, किस्तों में ब्याज सहित, जो इंस्टॉलमेंट का वो पेमेंट करता है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, किस्तों में ब्याज सहित। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किराया विक्रेता द्वारा एक निश्चित समयावधि तक मरम्मत की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है, जिसके लिए किराया विक्रेता अपनी पुस्तकों में मरम्मत की अनुमानित लागत से एक खाता खोलता है। ए मरम्मत संदेह खाता, बी मरम्मत खाता, सी लागत खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किराया विक्रेता द्वारा एक निश्चित समयावधि तक मरम्मत की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है, जिसके लिए किराया विक्रेता अपनी पुस्तक में मरम्मत की अनुमानित लागत से एक खाता खोलता है। तो देखिए, हायर परचेज सिस्टम के तहत क्या होता है, हायर वेंडर जो गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं बायर को, तो बायर गुड्स को रखता है, ठीक से रखता है, और उसके बावजूद अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए हायर वेंडर ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, वही मतलब कि उस गुड्स को सही करेगा, अगर ठीक करेगा, तो उसके लिए वो क्या करता है कि अपनी बुक में एक अकाउंट खोलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मरम्मत संदेह खाता, जिसको हम मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, मरम्मत संदेह खाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है। ए पूंजीगत व्यय, बी अस्थगित आयगत व्यय,
सी आएगा तो है, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के तहत जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड रहते हैं तो उसको माना जाता है, क्या माना जाता है, आयगत व्यय यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस माना जाता है। हायर परचेज सिस्टम के तहत जो बायर होते हैं वो अपने बुक में ब्याज का जो एंट्री करते हैं तो ब्याज की एंट्री जो होती है वो आयगत व्यय के रूप में माना जाता है उसको। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, आयगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, ए किराए क्रेता द्वारा, बी माल के निर्माता द्वारा, सी किराए विक्रेता द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट जो है किसके बुक में बनाया जाता है।